Very good morning, Radiant. Class 12 student. Today we are going to start a new chapter, company account. Student, company account is most important topic for you, most important chapter for you. You can say, beta, जो modern era चल रहा है, इस समय जो चल रहा है, वो उसमें problem क्या है कि जो consumptions हैं, वो जो demand particular किसी भी goods का, वो किसी भी partnership, किसी भी sole proprietorship के बस की बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि sole proprietorship में क्या होता है कि जो capital होता है, वो काफी limited होता है. ठीक है, पार्टनरशिप में चलो ठीक है थोड़ा सा तो बढ़ा लिया, लेकिन अगर मैं बात करूं सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेता हूं कि पार्ले जी का, तो ये बताओ अगर पार्ले जी का बिस्किट पूरे वर्ल्ड लेवल पे बिक रहा है और उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है, तो वो पार्ले जी का बिस्किट जो है वो क्या किसी सोल प्रोप्राइटर से कोई सिंगल आदमी अपना पैसा लगा करके, या कह सकते हैं कि कोई पार्टनरशिप मिल करके उस पर्टिकुलर डिमांड को पूरा कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैनेजमेंट स्किल, बहुत ही ज़्यादा कैपिटल और बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन पावर की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए आप कंपनी पढ़ेंगे और बहुत ही वाइडर कंसेप्ट है बेटा, तो ध्यान से देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, किस तरीके से कंपनी वर्क करती है. तो बेटा अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो आप ये बताइए आपके दिमाग में कुछ है कंपनी को लेकर के कि किस तरीके से कंपनी चलती होगी, क्या कंपनी होता है? बेटा क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बिजनेस. ठीक है, चलो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा आपको, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ वहाँ से. सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्लास 11 में, आपको ले चलता हूँ क्लास 11 में जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी अकाउंटेंसी में, वहाँ पर जो जो ओनर था वो आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है कि सर सिंगल ओनर होता था. ठीक है, सिंगल ओनर कैन बी अवेलेबल, या एक अकेला ही आदमी होता था जिसको आप कहते थे कि भैया यही है वन मैन आर्मी. ठीक है, वन मैन आर्मी इसे कहते हैं, इसी का डिसीजन, इसी का कैपिटल, इसी का प्रॉफिट और इसी का लॉस. ठीक है, लेकिन जब ये सिंगल ओनर था तो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कहाँ तक जाते थे, 1 लाख 10 लाख 5 लाख. ठीक है, तो ये जो बिजनेस का साइज था वो काफ़ी छोटा था. ठीक है, एक एजेंसी हो सकती है, एक छोटी मोटी दुकान हो सकती है, इस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप चल रहा था. ठीक है, और इसके दिमाग में भी एक डर लगा था कि जो कैपिटल हमने लगाया है वो कहीं लॉस ना हो जाए, वो कहीं डूब ना जाए. ठीक है, अगर मैनेजरियल स्किल की बात करें तो एक ही अकेला है, अब ये बेचारा सोचेगा कितना. ठीक है, कितना सोच पाएगा, तो इसकी मैनेजर स्किल भी काफ़ी लिमिटेड होती थी इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप जो आपने क्लास 11 पढ़ा. फिर आपके दिमाग में आया भाई अब चलो कुछ और किया जाए. जैसे ही आपने 12th में इंटर किया तो आपने कहा चलो ठीक, अब हम अकेले बिजनेस नहीं करेंगे, हम 2, 4, 10 लोग मिलकर के बिजनेस करेंगे, और इस बिजनेस का नाम दे दिया आपने पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, ये आपने कह दिया चलो भैया अब हम सोलो प्रोप्राइटरशिप नहीं बल्कि पार्टनरशिप करेंगे. ठीक है, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होता है, मैक्सिमम 50 होता है, अभी के लिए मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, तो कम से कम 50 आदमी मिलकर के अब इस टाइप के बिजनेस को कर सकते हैं. तो चलिए ठीक है सर, खुशी की बात है कि जो बिजनेस का साइज था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, कैपिटल और आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टनर्स ज़्यादा है यहाँ पे, अगर 1-1 लाख रुपए देंगे तभी 4 लाख रुपये हो जाएगा, कैपिटल ज़्यादा आ गया, मैनेजर स्किल इसके कंपेयर में थोड़ी सी ज़्यादा हो गई. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोचने वाले 4 लोग हैं. ठीक है, लाइबिलिटीज इनकी अभी भी अनलिमिटेड है. यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होती है, लाइबिलिटी की. ठीक है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें. लाइबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब होता है कि अगर इस पर्टिकुलर, ये चाहे इसकी बात हो चाहे इसकी बात हो, अगर इस पर्टिकुलर फर्म में या पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर कोई लॉस होता है, कोई बहुत बड़ा लॉस होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो भी बाहरी लोग का पेमेंट है, जो भी आउटसाइडर का पेमेंट है, दैट यू हैव टू पे, यू कांट डिनाई फॉर द पेमेंट, डजेंट मैटर यू हैव असेट्स और नॉट. ये बात मेरे ध्यान समझिएगा कि इनकेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इनकेस ऑफ पार्टनरशिप, the liabilities of the owner is unlimited. Why? Because in the sole proprietorship, in the partnership, there are registration is optional. Registration is not mandatory. कि भैया ऐसा नहीं है कि आप registration करवाएं, आप अपने business को start करिए. Registration compulsory नहीं है, optional होता था. You can not. ठीक है, लेकिन यहाँ पर liability unlimited होती है. Unlimited का मतलब कि in case when company have a debt, when company have a liability, more liability to his assets. कंपनी के पास 100 रुपये की प्रॉपर्टी थी लेकिन लाइबिलिटी उसकी थी वो 1000 की थी. किसी भी बिजनेस में लाइबिलिटी कितने की थी, 1000 की थी. असेट्स कितने था, 100 का था. अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होगा, पार्टनरशिप का बिजनेस होगा, तो ये जो 900 है ना बेटा, ये तो आप या तो अपने असेट्स को बेच करके दीजिए, असेट्स को बेचने पर 100 रुपया है, तो ये 900 रुपये की रिकवरी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से होगी. ये बात दिमाग में रखिएगा, कहाँ से होगी बेटा, पर्सनल प्रॉपर्टी से. ये आपको 11 में मैंने अच्छे से समझाया था आपको कि
लाइबिलिटीज आर अनलिमिटेड इन केस ऑफ सोल प्रोप्रेटरशिप इन केस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। ये 900 आपको देना ही देना है। अब आप अपना घर जमीन बेच करके दे रहे हैं, अब अपने वाइफ के ऑर्नामेंट्स उनके गहने बेच करके दे रहे हैं, डजेंट मैटर हाउ विल यू रिकवर, बट दैट अमाउंट यू हैव टू पे इन केस ऑफ सोल प्रोप्रेटरशिप एंड इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। बट चूंकि बिजनेस काफी छोटा है और कंज्यूमर जो है वो सबको ये चाहिए, सबको चाहिए ये सामान, तो डिमांड काफी हाई है। मॉडर्न एरा है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, जो है बिजनेस का साइज काफी बढ़ने को मांग रहा है, बट यू डोंट हैव कैपिटल, यू हैव नॉट कैपिटल, यू वांट टू डू बट यू हैव नॉट कैपिटल, यू हैव नॉट मैनेज, यू हैव नॉट मैन पावर, ठीक है। इस केस में क्या हुआ कि चलो भी अब 4-6 लोग से काम नहीं चलने वाला, कुछ बड़ा सोचते हैं, ठीक है। कुछ बड़ा सोचने का मतलब यह है कि अब आप एक कंपनी के बारे में सोचने जा रहे हैं, ठीक है, एक कंपनी आप बनाने जा रहे हैं, ठीक है। कंपनी के केस में क्या होता है कि बेटा जो कंपनी होती है, सपोज करो वो कंपनी अगर 10 करोड़ के लिए रजिस्टर्ड है, पहली बात तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, अ कंपनी मस्ट बी रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, दैट यू विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो, बट अ कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, इसको जो है रजिस्ट्रेशन होना, यहाँ पे जो है ऑप्शन जैसा कोई वर्ड नहीं, होना है कि नहीं होना है। कंपनी तभी जो है एग्जिस्टेंस में आएगी, कंपनी तभी जो है अस्तित्व में आएगी जब तक वो पूरी तरीके से 1956 कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड ना हो जाए, पंजीकृत ना हो जाए, ठीक है बेटा। तो ये कंपनी की बात हो गई। अब कंपनी के केस में पार्टनर जैसा कोई वर्ड नहीं यूज होता है, जो यहां पे सोल प्रोप्रेटरशिप काम करता था, जो यहां पे पार्टनर काम करता था, अब इस केस में काम करेंगे शेयर होल्डर। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि जिसके बारे में बहुत दिन से सुन रहे थे, आज वो सामने आ गया, क्या है, शेयर होल्डर। ये शेयर होल्डर क्या होते हैं, कंपनी, चलिए ठीक बेटा, कंपनी का जो कैपिटल होता है, ठीक है, कंपनी का जो कैपिटल होता है वो किसी एक से अफोर्ड नहीं किया जा सकता है। मतलब जब रजिस्ट्रेशन हुआ कंपनी का, कुछ 2-4, 10, 20, 50 लोगों ने मिलकर के उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन, फिर सारे लीगल फॉर्मेलिटी कर डाली, और कंपनी कितने की रजिस्ट्रेशन होगी, सपोज करो 10 करोड़ रुपए के लिए, तो 10 करोड़ कैपिटल से कंपनी स्टार्ट होगी। लेकिन मेरी बात बताओ कि क्या 10 करोड़ रुपए किसी एक से मांगा जा सकता है, या कोई एक आदमी अफोर्ड कर सकता है? अरे कर भी लेगा तो उसको दुनिया भर के टैक्स के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, कोई 10 लाख रुपए आपको 10 करोड़ रुपए इस तरीके से नहीं देगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसी कैपिटल को, चलो ठीक है 10 करोड़ रुपए है, एक से तो नहीं मांगा जा सकता, इसको डिवाइड कर दो, इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, किस में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे कैपिटल में, इसको डिवाइड कर दीजिए छोटे छोटे कैपिटल में, और इसका एक एक कैपिटल जो होगा, एक एक पार्ट जो होगा, देखो ये आपने कहा कि ये सर ये पूरे कंपनी के 10 करोड़ का कैपिटल है, इस कैपिटल को छोटे 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 टुकड़ों में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दिया, और कहा एक टुकड़े की कीमत कितनी है, 100 रुपये। अच्छा एक टुकड़े की कीमत 100 रुपये क्या है, मतलब एक शेयर की कीमत, एक पार्ट की कीमत, एक भाग की कीमत 100 रुपये है, ठीक है। तो इसी 100 रुपये का जो एक टुकड़ा है, जो एक पार्ट है, इसी को बोला जाएगा शेयर। शेयर इज द स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो छोटा सा टुकड़ा होता है वो शेयर होता है, और जो इसको परचेज करेगा, जो भी इसको परचेज करेगा वो बोला जाएगा शेयर होल्डर, ठीक है। तो चीजें सीखेंगे आगे, इसे अभी जो सारी चीजें नहीं बताई जा सकती बेटा। तो शेयर होल्डर होता है, इसका ओनर होता है, ठीक है। यहां पे बेटा और भी चीजें हैं, लेकिन अभी आप पहले डेफिनेशन देखिए। तो डेफिनेशन के तौर पे व्हाट इज कंपनी, हाउ विल यू डिफाइन इट, तो यहां पे कोई नया नहीं है बेटा, आपने 11 भी पढ़ा था, वही चीजें रिपीट होने जा रही है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law, ये देखो ये word बहुत important है, created by law, having a separate legal entity with a perpetual succession and common seat, एक एक word का मतलब बताऊंगा। एक company जो है वो artificial person है, कृत्रिम है, man-made है, ठीक है, अपने आप ये उड़ करके नहीं आ जाएगी, alien नहीं है ये, इसको कोई ना कोई बनाएगा, ठीक है। तो कोई ना कोई बनाएगा, मतलब हम तो human being, हम ही बनाएंगे, ऐसा तो नहीं किसी animals या किसी की बस की बात है, इसके पास दिमाग वही इसको बनाएगा। तो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन दैट इज क्रिएटेड बाय मैन मेड, ठीक है, ह्यूमन बीइंग। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ अंडर द लॉ अंडर द 1956 ऑफ द कंपनीज एक्ट दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कि द कंपनी मस्ट बी क्रिएटेड बाय लॉ, ये लॉ के द्वारा अस्तित्व में आती है, कानून के द्वारा ही बनता है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, अब भाई जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया, जिसका जो पूरी तरीके से रजिस्टर्ड हो चुकी है कंपनी, उसका सेपरेट लीगल एंटिटी तो अपने आप हो जाता है। अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है कि सर ये इतनी बड़ी कंपनी हम चला रहे हैं, इसके ये सब इधर क्या है, इधर सब इसके शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर ए बी सी डी ई,
चार पांच पता नहीं कितने हो सकते हैं, 5,000-10,000 शेयर होल्डर हो सकते हैं। तो ये जो शेयर होल्डर हैं ये और ये कंपनी है, ये अपना अलग और ये अपना अलग, ठीक है। कंपनी कहेगी देखो मैं अलग हूं और आप अलग हैं, यू आर ओनली शेयर होल्डर फॉर मी, नॉट मोर नॉट लेस, आप बस मेरे लिए शेयर होल्डर हैं, ना इससे ज्यादा है ना इससे कम है, ठीक है। तो कंपनी हैव देयर सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, ही हैव अ सेपरेट एंटिटी टू इट्स ओनर, ठीक है, ही हैव अ सेपरेट कंपनी हैव अ सेपरेट एग्जिस्टेंस टू इट्स ओनर, ये अपने ओनर से अपने शेयर होल्डर से पूरी तरीके से पृथक है, पूरी तरीके से अलग है, ठीक है। उसका अपना ही राइट है, कंपनी चाहे तो अपने नाम पे प्रॉपर्टी सेल करे, कंपनी चाहे तो अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज करे, कंपनी चाहे तो अपने नाम पे बैंक में अकाउंट ओपन करवा ले, कंपनी चाहे तो कहीं अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट कर दे, कंपनी कैन एवरीथिंग, इट इज वर्क एज अ ह्यूमन बींग, ठीक है। इसके बाद बेटा अब उसी में से जितना आपने डेफिनेशन पढ़ा, सॉरी डेफिनेशन जो आपने पढ़ा है कंपनी के लिए, उसमें परपेचुअल सक्सेशन जैसा वर्ड है, कॉमन सील है, तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि ऐसा है कि बेटा कंपनी में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं, जो भी शेयर होल्डर होते हैं, वो उसमें किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, किसी का इंसॉल्वेंट हो जाए, किसी की किसी को हैंडीकैप हो गया, कोई जो है वो एक्सीडेंट में मर गया, तो उसके रहने ना रहने से, आने जाने से कंपनी के अस्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी दिमाग में आप रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप आगे देख रहे हैं, कंपनी की कॉमन सील होती है जिसको आप सील मोहर कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे फीचर्स में देखें बेटा, डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा, फीचर्स उसी में से एक एक, सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी आपको बताया गया कि कंपनी हैव देयर सेपरेट एंटिटी, ठीक है, कंपनी हैव अ सेपरेट एग्जिस्टेंस टू इट्स ओनर, ठीक है, ही कैन परचेज एनीथिंग, ही कैन सेल एनीथिंग, ही कैन ओपन अ बैंक अकाउंट, ठीक है, कंपनी कैन ओपन अ बैंक अकाउंट बाय हिज ओन नेम, कंपनी कैन परचेज, कंपनी कैन राइट, कंपनी हैव अ राइट टू सेल देयर प्रॉपर्टी टू इट्स ओन नेम, तो कंपनी अपने नाम पे कुछ भी कर सकती है, ठीक है, किसी भी शेयर होल्डर की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब मेंबर में कम एंड मेंबर में गोज आउट, शेयर होल्डर में कम, शेयर होल्डर में गोज आउट, बट कंपनी कैन रन फॉर एवर, कंपनी विल रन फॉर एवर, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी पर्टिकुलर मेंबर के आने से, किसी भी पर्टिकुलर मेंबर के जाने से किसी भी कंपनी के अस्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि कंपनी इंजॉय दैट प्रॉपर्टी, कंपनी जो इस प्रॉपर्टी है, जो इसकी प्रॉपर्टी है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ये इसको इंजॉय करती है। इंजॉय करने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि इतना लंबे पैमाने पे हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा पता नहीं कितना मिलियन का टर्नओवर है, और आज किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या किसी जो है शेयर होल्डर की डेथ हो जाए तो हम बंद, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कंपनी विल रन फॉर एवर, नो मेंबर नो शेयर होल्डर कैन अफेक्ट ऑन द कंपनी, ठीक है। अगर कोई शेयर होल्डर की, अगर कोई शेयर होल्डर डिसॉल्व होता है, वो मतलब जो है इंसॉल्वेंट होता है, अगर कोई शेयर होल्डर जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो इसका कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कंपनी चलती रहेगी। लिमिटेड लाइबिलिटी, अब लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि बेटा अभी मैं आपको बताया था एक छोटा सा बात कि शेयर कुछ होता है, ठीक है। सपोज करो एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, कंपनी ने कहा अगर आप मेरे इस पर्टिकुलर कंपनी का अगर आप बनना चाहते हैं शेयर होल्डर, तो यू हैव टू पे 100 फॉर वन शेयर, आपको एक शेयर परचेज करने के लिए 100 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, सपोज करो मैं यहाँ पे मैं आपका नाम लिख दूँ कि आप मिस्टर यक्स हैं, और आप कह रहे हैं कि मुझे 1000 शेयर चाहिए, कितना शेयर चाहिए 1000 शेयर, और इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 लाख रुपये आपको पे करना पड़ेगा, किस लिए, शेयर को परचेज करने के। लेकिन आपने सिर्फ इसमें से कितना दिया 80,000, आपने कितना नहीं दिया 20,000, तो ये जो 20,000 है दैट यू कैन नॉट डिनाई फॉर द पेमेंट, आप इस पेमेंट के लिए डिनाई नहीं कर सकते, ना इनकार नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि दैट 20,000 यू हैव टू पे इन फ्यूचर, डजेंट मैटर एट दिस टाइम यू आर नॉट एबल टू पे, बट इन फ्यूचर यू हैव टू पे दैट अमाउंट, ठीक है। तो ये जो 80,000 है ये तो आपने पे किया, और ये जो 20,000 है ये बाद में आप पे करेंगे, जब कंपनी बंद होने लगेगी, कंपनी इंसॉल्वेंट होने लगेगी, कंपनी के पास कैपिटल नहीं रह जाएगा, कंपनी के पास पैसे नहीं रह जाएंगे, देन दैट अमाउंट, दैट अनकॉल्ड अमाउंट, ये 20,000 दैट कैन बी कॉल बाय द कंपनी फॉर द रिकवर ऑफ द डेब्ट, ठीक है। लेकिन खुशी की बात क्या है बेटा, खुशी की बात ये है कि 1 लाख में आप सिर्फ आपने 80 दिया, और ये 20,000 के लिए ही आप लाइबल हैं। कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो जाए, कंपनी को अरबों का नुकसान हो जाए, कंपनी को मिलियंस में नुकसान हो जाए, लेकिन आप सिर्फ 20,000 ही पे करेंगे, इट मीन्स यू आर ओनली लाइबल टू पे टिल द अमाउंट ऑफ कैपिटल, नॉट मोर नॉट लेस। इसके बाद कॉमन सील, कंपनी की खुद की कॉमन सील होती है, ये बना भी सकती है, कोई भी कंपनी के पास कॉमन सील है, कोई भी कंपनी नहीं रखती है। कॉमन सील का मतलब उनका जो मुहर जैसा कुछ होता है, ठीक, उनकी जो सील होती है, ठीक है,
स्टाम्प आप कह सकते हैं, उसी स्टाम्प को यूज करके वो चीज़ों को बेचना, चीज़ों को परचेज करना। क्योंकि अब जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हम तो अपनी सिग्नेचर कर सकते हैं, लेकिन कंपनी खुद से साइन तो कर नहीं सकती, तो उसकी कॉमन सील वहाँ पे लगती है। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी आप शेयर, आपको पता है कि अगर आप ओनर हैं तो आप ओनर एज अ ओनर आप अपनी ओनरशिप किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के केस में पॉसिबल है। कंपनी के केस में अगर यक्स के पास 100 शेयर है तो ये 100 शेयर वो किसी और को बेच देगा। अभी 100 शेयर है तो 100 शेयर का मालिक यक्स है, इसको उसने वाई को बेच दिया, अब इस 100 शेयर का मालिक वाई हो जाए। ठीक है, बाकी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी है, लेकिन अभी इतना रिमार्क रखिए कि ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ कंपनीज बिजनेस। ठीक है, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट। अब ये सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? जो कंपनी का मैनेजमेंट है पूरी तरीके से सेपरेट होता है। ठीक है, अब सीधी सी बात यह है कि सर अगर किसी कंपनी में 1000 शेयर होल्डर हैं तो सभी का दिमाग आप लेने जाएंगे कि ये चीज़ें परचेज की जाए, ये चीज़ें की जाए कि ना की जाए, पैसे डिवाइड किए जाए कि ना किए जाए, तो सभी से आप नहीं बात कर सकते। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि इन द कंपनी देयर आर सेट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दैट इज इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के द्वारा। ठीक है, जैसे वोटिंग होती है उस तरीके से शेयर होल्डर्स के द्वारा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट किया जाता है, उनकी कमेटी होती है, एंड ऑल द डिसीजन मस्ट बी फॉलोड बाय द शेयर होल्डर। ठीक है, दैट इज टेकन इन द मीटिंग में जो भी लिया जाएगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही उस पूरी बिजनेस को, पूरी कंपनी को जो है वो मैनेज करता है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज तो इतना ही बेटा, कोई होमवर्क नहीं है, पर तो पूरी तरीके से एक बार वीडियो और देख डालिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा बेटा। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।